पीना। दोस्तों चाइना का ये कोरोना वायरस वाकई में घर पर बैठने में मजबूर कर दिया है और ये वायरस लोगों को धीरे धीरे मार रहा है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे एनिमी के बारे में जहां दोस्तों वायरस अपना आतंक मचा चुका है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग घर में ही बैठे हैं और साथ में एक दूसरे के साथ दूरी बना के रखे हैं, लेकिन दोस्तों कुछ जाहिल और अनपढ़ों की वजह से ये वायरस फैल रहा है। लेकिन दोस्तों ये रूल को वाकई में हमें मानना चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया है वो वाकई में बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर दोस्तों कोरोना वायरस का आतंक यूरोपियन कंट्री दिख चुके हैं और शायद ये यूरोपियन कंट्री के आधा पॉपुलेशन को मिटा सकता है। पर दोस्तों भगवान करे ऐसा ना हो। ये तो दोस्तों हो गया रियल वर्ल्ड के बारे में जहाँ वायरस अपना आतंक मचा रहा है, पर दोस्तों फिक्शनल एनिमी वर्ल्ड में कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि दोस्तों कोरोना वायरस से 10 गुना ज्यादा डेंजर है। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसे एनिमी मूवीज और शो के बारे में बताने वाले हैं जहाँ दोस्तों वायरस अपना आतंक मचा चुका है। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 लोपस क्रोस। दोस्तों ये एक 2010 साइंस फिक्शन एनिमी है जो कि दोस्तों दुनिया के टेक्नोलॉजी को डिजीज यानी दोस्तों बीमारी से जुड़ता है। इसके स्टोरी में एक वायरस पूरी तरीके से अर्थ की ह्यूमन को मिटा देता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मदद से ह्यूमंस इस वायरस से सर्वाइव भी करते हैं। ये मूवी में ह्यूमंस का वायरस के खिलाफ लड़ना तो काम देता है पर दोस्तों साथ में बहुत कुछ बर्बाद भी हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये एनिमी का बहुत ही अच्छा स्टोरी है और इससे ये पता चलता है कि एक वायरस किस तरह से सिविलाइजेशन और समाज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब इस ऑनलाइन पे आता है टेरा फॉर्मर्स। दोस्तों टेरा फॉर्मर्स एक एनिमी सीरीज है जिसमें दोस्तों एक प्रकोप देखने को मिलता है। एक्चुअल में जिन लोगों को कीड़ा या तो बैक्टीरिया को देख के अजीब लगता है उनके लिए ये एनिमी सीरीज नहीं है। ये सीरीज में अर्थ में जगह खत्म होते रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ह्यूमंस बहुत तेजी से जन्म होते रहते हैं, लेकिन ओवर पॉपुलेशन को कम करने के लिए ह्यूमन मार्स को अपना सेकंड ग्रह बनाने का समझते हैं। मार्स को रहने लायक बनाने के लिए उसमें कॉकरोच और काइस को छोड़ा जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से ये जो कॉकरोच होते हैं वो लोग इवॉल्व होके ह्यूमन जैसे दिखने वाले कॉकरोच बन जाते हैं जिनको दोस्तों टेरा फॉर्मर्स बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों लगभग 500 साल के बाद ह्यूमन मार्स में रहने लायक जगह बना लेता है, लेकिन दोस्तों सबसे खतरा का बात ये था कि वहाँ एलियन इंजन वायरस होता है जिसकी वजह से दोस्तों डेथ रेट बढ़ना शुरू हो जाता है और दोस्तों इसका एंटीडोट टेराफॉर्मर्स की बॉडी से ही बना था। यहाँ पर दोस्तों अगर आप ये एनिमी को देखने का सोच रहे हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि साइड में कोई कॉकरोच ना हो। अब इस बार 8 पे आता है कनबरी ऑफ द आयरन फोर्ट्रेस। दोस्तों ये एनिमी सीरीज जूम्बी लवर्स के लिए बहुत ही सही है। इसके स्टोरी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान सेट किया गया था। ये स्टोरी में मेन कैरेक्टर इकोमा के ऊपर ध्यान दिया गया है जो कि दोस्तों एक इंटेलिजेंट इंजीनियर होता है। इकोमा एक बहुत ही पावरफुल वेपन बनाता है क्योंकि दोस्तों काविनी से लड़ा जा सके। ये सीरीज के हिसाब से काविनी एक वायरस होता है और इस वायरस की वजह से ह्यूमंस भी काविनी में चेंज हो जाते हैं और फिर हाफ ह्यूमंस की तरह रहने लगते हैं। अगर हम देखें तो कभी कभी ये इन्फेक्शन पूरी तरीके से ह्यूमन बींग को नहीं लेता है, बल्कि दोस्तों कभी कभी आधा ह्यूमंस और आधा जुम्बिस में छोड़ के रख देता है। इनको मारने का बस एक ही उपाय है और वो है इनके स्टील कोटेड हार्ट को तोड़ना। यहाँ पर दोस्तों ये सीरीज को देख के आपको अटैक ऑन टाइटंस का याद आ जाएगा। अब इसमें 7 पे आता है कैनन। दोस्तों कैनन में एक ऐसा प्रकोप सीन देखने को मिलता है जो कि बायोटेररिज्म की वजह से होता है। इसमें दोस्तों बायोटेररिज्म एक वर्डविस जिन दोस्तों जंग के फॉर्म में रहता है जिसमें जहरीले बायोलॉजिकल एजेंट को रिलीज किया जाता है। ये बायोलॉजिकल एजेंट बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकते हैं जैसे कि दोस्तों कीड़े से लेके वायरस के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसके स्टोरी में 2 रिपोर्टर को फॉलो किया जाता है जिनका नाम दोस्तों मारिया और मिनोरिकावा होता है। ये दोनों ही पिछले बायोलॉजिकल अटैक यानी यूए वायरस के सर्वाइवर होते हैं और बाद में अपने फ्रेंड कैनन से मिलते हैं जो कि दोस्तों ये सीरीज की प्रोटैगनिस्ट है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से बायोटेररिज्म होता है
जिसका नाम दोस्तों यूए वायरस 2 होता है और यही वायरस की वजह से लोगों को और भी खतरे का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों देखा जाए तो ये एनिमी भी एक बहुत ही अच्छा एनिमी है। अभी दोस्तों नंबर 6 पे आता है नोरा की। दोस्तों इस लिस्ट में और एक एनिमी है जो लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जो ये बात पर एक्साइटेड है कि वायरस के प्रकोप के बाद क्या होगा, उनके लिए ये एनिमी बहुत ही अच्छा है। इस स्टोरी में गवर्नमेंट ह्यूमन को आइसोलेटेड करके डेंजरस वायरस फैलने से कंट्रोल करने का कोशिश करता है। इसमें हमें कैदियों को देखने को मिलता है और ये कैदी अपनी कोशिकाओं के खुले होने पर जगते हैं और साथ में निकलते हैं, लेकिन निकलते हुए कोई नजर नहीं आता है। जैसे ही एनिमी आगे बढ़ता है वैसे ही व्यूअर्स को वायरस के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि कैदियां ऐसे सिचुएशन में क्यों हैं। अभी शो 5 पे आता है हाई स्कूल ऑफ द डेड। दोस्तों हाई स्कूल ऑफ द डेड एक जुम्बी एनिमी सीरीज है जिसमें दोस्तों आपको बहुत सारे वायरस देखने को मिल जाएंगे और आप इसकी वजह से अच्छा खासा एंटरटेन भी हो पाएंगे। ये सीरीज में एक ऐसा महामारी आता है जिसके वजह से दोस्तों ह्यूमंस जुम्बिस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसमें हाई स्कूल स्टूडेंट्स को अचानक से डिस्ट्रक्शन टाइप का सिचुएशन में जोड़ दिया जाता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा डेंजर और ताकतवर जुम्बिस ह्यूमन पॉपुलेशन को तबाह कर रहे थे। और दोस्तों ये एनिमी उनके लिए परफेक्ट है जो कि दोस्तों ज्यादा एक्शन चाहते हैं और जिनको वायरस का सनसनी ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसमें 4 पे आता है एरेगो प्रॉक्सी। दोस्तों एरेगो प्रॉक्सी एक ऐसा एनिमी है जो कि दोस्तों साइबरपंक लवर को बहुत ही पसंद आएगा। ये एनिमी में एक ऐसा वर्ल्ड होता है जहाँ ह्यूमन और एंड्रॉइड्स दोनों ही अपनी जगह शांति से रहते हैं, पर एक वायरस आके एंड्रॉइड्स को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है जिसका नाम दोस्तों कॉगिटो वायरस होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये एनिमी बाकी मेंशन के एनिमी से थोड़ा अलग है क्योंकि दोस्तों इसमें कोई बायोलॉजिकल वायरस नहीं था बल्कि दोस्तों इसमें डिजिटल वायरस के ऊपर ध्यान दिया गया था, यानी दोस्तों कॉगिटो वायरस एक डिजिटल वायरस था। इसके अलावा ये एनिमी वो व्यूअर्स के लिए भी है जो कि दोस्तों अच्छे खासे मिस्ट्रीज को पसंद करते हैं क्योंकि दोस्तों सॉल्विंग मर्डर भी इस स्टोरी का एक पार्ट है। अब इस 3 पे आता है गुल्टी क्राउन। दोस्तों गुल्टी क्राउन का स्टोरी एक ऐसा दूसरा एनिमी है जो कि ये दिखाता है कि एक सोसाइटी कुछ साल के बाद महामारी के बाद कैसा दिख सकता है। इसमें एक ग्रुप भी होता है जो कि सोसाइटी के इंडिपेंडेंस को फिर से वापस लाने के लिए कोशिश करता है जो कि एपोकलिप्स वायरस की वजह से जा चुका था। यहाँ पर दोस्तों ये ग्रुप का मदद ये शो का मेन कैरेक्टर शू ओमा भी करता है। इसके पास एक नया पावर रहता है जिसकी वजह से ये दूसरे लोगों की बॉडी से वेपन तैयार कर सकता था। ओवरऑल ये शो में वायरस की बात वाली चीज में ज्यादा ध्यान दिया गया था, लेकिन दोस्तों कई सारे फ्लैशबैक के दौरान वायरस के बारे में बताया गया था कि दोस्तों ये वायरस किस तरह से फैला था जिसका नाम दोस्तों एपोकलिप्स वायरस था। अब इस पर 2 पे आता है ब्लैक बुलेट। दोस्तों ब्लैक बुलेट एक ऐसा एनिमी है जिसमें दोस्तों बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्शन एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं और साथ में दोस्तों एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग प्लॉट भी देखने को मिलता है। ये एनिमी में एक वायरस पूरी तरह से आतंक मचा देता है जिसका नाम दोस्तों गैस्ट्रिया वायरस होता है। दोस्तों यहाँ और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वायरस की वजह से सिर्फ नॉर्मल पीपल इफेक्ट नहीं हो रहे थे बल्कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ इस वायरस से इन्फेक्टेड हो रही थी। यहाँ पर दोस्तों ये वायरस लड़कियों को चेंज कर देता है और दोस्तों इन लोगों को क्रूसेड चिल्ड्रन के नाम से जाना जाता था। ये छोटे बच्चों के पास कुछ अलग ही पावर रहता है जिनका दोस्तों आंख रेड कलर में चमकता है और दोस्तों देखा जाए तो इसमें बहुत ही अजीब तरीके के वायरस को दिखाया गया है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है किंग ऑफ थ्रोन। दोस्तों किंग ऑफ थ्रोन भी वायरस के बारे में है जो कि दोस्तों एक साइंस फिक्शन एनिमी है। इसमें दोस्तों सोल्यूशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जो कि दोस्तों गलत साबित हो जाता है जिसकी वजह से मेडुसा नामक वायरस का जन्म होता है। ये वायरस इतना भयंकर होता है कि अपने विक्टिम को पत्थर कर देता है और ये पत्थर वाला काम ये वायरस सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर कम्प्लीट करता है। इस वायरस को जड़ से साफ करने के लिए एक संगठन 160 लोगों को एक एक्सपेरिमेंट के लिए चुनता है जिनको दोस्तों गहरी नींद में रखा जाता है जब तक कोई इलाज ना मिलता। यहाँ पर दोस्तों ये सीरीज में महामारी के समय मीडिया और पॉलिटिक्स किस तरह से अपना रोल निभाते हैं वो देखने को मिल जाता है और इसमें जैसे भी दिखाया गया है वो चीज आजकल रियल वर्ल्ड में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यही था टॉप 10 ऐसे एनिमी के बारे में जिसमें दोस्तों वायरस अपना आतंक मचा चुका है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सा एनिमी आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा
कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आप तक ऐसे ऑसम कॉन्टेंट पहुँचाते रहेंगे। तो दोस्तों वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो में।